ये देखो आ गया ना ये, हम सच बोल रहे हैं या झूठ आप इसी से पूछ लीजिए। अभी सर झुकाने से गलत सही नहीं बन जाएगा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे जज्बातों के साथ खेला, इसने हम सबको धोखा दिया है। शट अप। इनके बारे में एक और शब्द नहीं। मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है कि तुम लोग इतनी बकवास किए जा रहे हो। धोखा देने वाले को भला नहीं कहते, जो खुशी से दे उसे तोहफा कहते हैं। मेहनत करके ले तो वो मुनाफा है, झगड़ कर छीन ले तो दादागिरी कहते हैं। जो बिना बताए लिया जाए उसे धोखा कहते हैं। आपकी जानकारी के बिना उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं लिया, तुम लोगों की परमिशन के बिना वो तुम लोगों के साथ घूमे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। एक ही साथ इतने लोगों से प्यार करना धोखा नहीं है क्या? तो इनसे प्यार करने से पहले इनके बारे में एक बार भी जानना जरूरी नहीं समझा? हमारे बारे में तुम जानती ही क्या हो? मुझे सब पता है, इन दो दिनों में तुम लोगों के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया। मेरे पति से मिलने से पहले तुम में से एक एक के कितने अफेयर्स थे, कितने बॉयफ्रेंड थे, मैंने वो सब कुछ पता कर लिया समझी। अपनी गलतियाँ छुपाकर, सिर्फ इनकी गलती को दिखाकर, इन्हें परेशान करने पर भी इन्होंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हारी हरकतों को सहन किया और मेरे दूर रहने पर भी मुझसे प्यार किया। मैं कहीं इनसे दूर न चली जाऊँ इसलिए तुम लोगों के बारे में मुझसे सब कुछ छुपाया। आदमी ताकत से जीतता है, औरत प्यार से जीतती है। तुम लोग इनके प्यार को नहीं जीतना चाहते थे, तुम सब लोगों को तो बस इनके पैसे से ही प्यार था, क्यों है ना? नहीं, मेरी बेटी तो अब भी इससे सच्चा प्यार करती है। मुझे पता है आंटी, आप इन सब से अच्छा नाटक करती हैं। क्या कहा मैं? वो भी इनसे प्यार का नाटक ही कर रही थी। अरे रे रे रे, हमें नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरी लड़की तो इससे सच्चा प्यार करती है, हम तो बस इसका भला चाहते हैं। मेरे बारे में इनको बताना, इनके खिलाफ सबको भड़काना और आग लगाना, मुझे सब कुछ पता है आंटी जी। सब झूठ बोल रही है, झूठी कहीं। अरे अब तो तुम बैठो, जो गलती की है उसे मानने में ही भलाई है। तुम सही बात बोल रही हो बेटी, इन सब का कारण यही है। पति की चाहे जितनी भी इच्छाएं हो, अकल ठिकाने हो तो काफी है, बीवी की जिंदगी सवर ही जाती है। लेकिन अगर औरत में लालच हो तो उसकी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। अब कोई भी इनकी तरफ आँख उठाकर भी मत देखना, अगर किसी ने कोशिश की तो आंखें नोच लूंगी। चलो फोटो। मैडम अपने फिंगर में से रिंग निकालो। नहीं। निकालो, चलो निकालो, मेरे भाई का। निकाल ले। क्या कर रहे हो? अच्छा क्रिश को दे दे। ये लीजिए भाभी, पहना दीजिए। थैंक यू सावित्री, अगर शादी से पहले मुझ जैसे लोगों की गलतियों को शादी के बाद तुम जैसी पत्नी समझकर सही करे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे तुम जैसी पत्नी का मिलना सौभाग्य की बात है। रॉन्ग नंबर। आ जाई लड़कियों के अलावा और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं?